कि अयोध्या से बारात आई थी केवल राम जी की, लेकिन जनक जी के जो गुरुदेव भगवान थे सतानंद जी, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव अगर आपकी इच्छा हो तो महाराज दशरथ जी से एक बार आप आदेश ले लेते। तीन पुत्र उनके और हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और जनक जी के छोटे भाई की तीन कन्या और हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। कृपा करके आप आदेश ले लेते महाराज दशरथ जी से, तो एक विवाह राम जी का तो सीता जी के साथ हो ही रहा है, तीन मंडप और बगल बना करके एक के साथ सबका विवाह कर दिया जाता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, इसमें राजा दशरथ से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं गुरुदेव हूँ, आदेश दे रहा हूँ, बढ़िया सुंदर मंडप बनाए जाए, जैसे मंडप राम जी के विवाह के लिए बना था वैसे तीन मंडप और बन करके तैयार हो गया। बारात आई थी केवल राम जी की, विवाह चारों भाइयों का एक साथ मंडप में होने लगा। हमारे आपके यहां जब विवाह मंडप में आचार्यगण विद्वानगण विवाह कराते हैं ना, सबसे अंत में विवाह संपन्न हो जाता है, सिंदूर दान आदि सब हो जाता है, तब वर पक्ष की यानी वर पक्ष के जो पिताजी हैं उनको बुला करके मंडप में आशीर्वाद दिलाया जाता है। अब दशरथ जी को बुलाया गया, विवाह संपादित हो गया, संपन्न हो गया है, कृपा करके आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने के लिए जब महाराज दशरथ पधारते हैं विवाह मंडप में, तो देखते क्या है कि लेके आया था बारात राम जी के लिए, और यहाँ गुरुदेव ने मिल करके तीनों भाइयों का और साथ में विवाह करा दिया। कहा, गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं? गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, राजन आपको पता नहीं आप क्या देख रहे हो, बारात आई थी राम जी की, विवाह लक्ष्मण भरत शत्रु तीनों का एक साथ मैंने संपन्न करवा दिया। क्यों? क्योंकि सतपात्र दाना शभवे धनाढ्य। कोई व्यक्ति अगर सतपात्र को दान देता है, किसी धर्म कर्म में कुछ दान करता है, तो उसको दुगना होकर के प्राप्त होता है। अगर हम सब राम कथा में, भागवत कथा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, कन्यादान में कुछ दान करते हैं ना, तो बहुत जल्दी दुगुना चौगुना हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। दान करने से कभी धन की कमी होती नहीं है। तुलसी पंछी के पिए, अरे घटे न सरितानी, दान दे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, जो सहाय रघुबीर। वाल्मीकि रामायण की चर्चा है, सतपात्र दानाश भवे धनाढ्यो। सतपात्र को दान दोगे, धर्म कार्य में दान करोगे, तो बहुत जल्दी धनवान बन जाओगे। धनवान बनना है तो हमारे आपके जीवन में दान करने का गुण होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, महात्मन धर्मशास्त्र कहते हैं जिसने 100 रुपए का दान किया बहुत जल्दी 200 रुपए होकर के प्राप्त होता है, परंतु आपके भाग्य की जितनी सराहना की जाए वो कम है। क्यों? दुनिया को दुगुना मिलता है लेकिन आपको चौगुना प्राप्त हो रहा है। बोली भक्त वत्सल भगवान। क्यों? क्योंकि आपने महाराज विश्वामित्र जी को 2 पुत्र दिए थे। आवाज दुगना हो गया कि नहीं? 4 बहू आपको प्राप्त हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान के इस दिव्य विवाह उत्सव को देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता, कल में कथा में कह रहा था ना, सब आकर के खड़े हुए। आकाश मार्ग से ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान के दिव्य विवाह का दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम और सीता जी के दूल्हा दुल्हन सरकार का सब दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते, विविधि भयो आचरज विशेखी, निज करनी कछु
कतहु न देखी। भगवान राम का विवाह देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी चिंता में डूब गए। क्यों? ब्रह्मा जी ने विचार किया, सारे संसार को बनाने वाला मैं, सृजन करने वाला मैं, लेकिन मेरी बनाई गई व्यवस्था का कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। भोलेनाथ के पास गए, कल हम सब प्रसंग सुन रहे थे, परंतु विवाह में प्रभु जी आदमी इतना शोरगुल हो गया ना, हल्ला मच गया। अब विवाह में जन्म में तो हल्ला मचता है, तो समझ नहीं पाए। इसलिए याद रखना, ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास गए, बाबा मैं ये क्या देख रहा हूं, पूरी दुनिया के एक एक पुष्प पत्र फूल, दुनिया की जितनी अलौकिक सुंदरता सुंदर वस्तुएं हैं, सबका सृजन तो मैंने किया है, लेकिन मेरी बनाई गई वस्तु की जो सुंदरता है, इस सुंदरता की आगे सब फेल है। ये मैं क्या देख रहा हूं? भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी ये किसी साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है, ये तो तीनों लोक के जो स्वामी हैं, भगवान नारायण सीता यानी लक्ष्मी नारायण का विवाह हो रहा है। ये तुम्हारी बनाई गई कलाकृति यहां दिखेगी नहीं। तुम तो वैसे बात कर रहे हो ना, जैसे कलयुग के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने विवाह, अपने माता पिता के विवाह को देख करके बात करते। बोले भगवान।